राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। और ये हो रहा है सुबह का टाइम, 6 बज रहे हैं, लेकिन इतना अंधेरा है। हम बता दें, बारिश इतनी हो रही, कंटिन्यू बारिश हो रही है कल से, और लाइट भी गुल है, और लाइट जब काफ़ी टाइम से नहीं आई तो इन्वर्टर भी हो गए स्विच ऑफ बिल्कुल से। तो अब अंधेरा है, यानी कि मोबाइल की टॉर्च से काम चला रहे हैं। यहाँ मैं कवरिंग बेड सीट थी, और बाहर बस गैलरी में उजाला आ रहा है, घर में अंधेरा के बीच जाल ढका हुआ है, और यहाँ बारिश हो रही है। शिवानिया खरीद बोल रही थी कि बाहर निकल जाओ, मैंने कहा बाहर निकलने लायक है नहीं, बाहर क्या निकल जाएंगे। तो यहाँ पूरी गैलरी में पानी भर, यानी कचरा भी साफ नहीं हो रहा, तो मैंने कहा पहले वाइपर से यही साफ कर दूँ, झाड़ू तो लगी नहीं पा रही, बिल्कुल अंधेरा है एकदम से, मतलब बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। बहुत तेज बारिश आ रही है, देख लीजिए, मतलब बारिश बंद होने का तो नाम ही नहीं ले रही, इतना ज़्यादा पानी बरस रहा है सच में, बहुत ज़्यादा। हम लोग तो किसी तरह इसमें छुपे हैं, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया, तो हाल फिलहाल कलर वगैरह तो नहीं हुआ, ये टीन डल गई है, तो इस टीन में ही नीचे आ गए। दरवाज़ा बंद हो जाता, दरवाज़ा खुला है ना तब भी ये पानी अंदर आ जाता है, देखिए अंदर पानी आ रहा है। तो किसी तरीके ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कि नीचे लाइट भी गुल हो गई है, लाइट इसलिए गुल हो गई है कि कल से ही बारिश हो रही है, कल रात से बारिश हुई, पूरे दिन बारिश हुई, आज भी 4 बजे का टाइम हो रहा है, अभी भी बारिश हो रही है, इन्वर्टर भी कहाँ तक चलेगा, तो लाइट भी गोल हो गई। तो ये अपना इनके तो टेस्ट चल रहे थे ना, कि अपनी पढ़ाई कर रहा है ये। आज तो हाल फिलहाल छुट्टी हो गई बारिश की वजह से, अगर बारिश थम गई तो इनका कल तो टेस्ट हो गई, अगर नहीं थमी तो देखते हैं क्या होता है। तो नीचे उजाला है ही नहीं, तो बच्चा बेचारा अपना यहाँ ही अपनी स्टडी कर रहा है, तैयारी कर रहा है। कितना याद होगी संस्कृत बेटा, मैं कुछ बताऊँ, हेल्प करूँ? और मुझसे ज़्यादा ना पानी की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि पानी काफ़ी तेज है, भर 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 हो रहा है, बहुत तेज पानी है। प्रभु अब तो पानी बंद हो जाए, अति हो गई बहुत जगह, तो बाढ़ आ रही। देखिए किसी भी चीज़ की अति, बारिश ना हो तो भी बेकार, अगर बारिश की अति हो जाए वो भी बेकार, क्योंकि बारिश अब बहुत ज़्यादा आती हो गई, हर जगह बाढ़ आ रही, कई कई जगह ना मकान तक ढह गए, कच्चे मकान तो बिल्कुल ढह गए। तो भैया अब बारिश चली जाए, कितनों का नुकसान हो गया, कितने लोग घर के नीचे दब गए, कितने लोग घर से बेघर हो गए इस बाढ़ में। तो प्रभु अब बाढ़ चली जाए, अब इससे ज़्यादा अब सहन होने वाला है नहीं। हाँ, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, मतलब 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, बहुत होता है 2 दिन, और सब लोग परेशान हैं हर जगह, है ना। हम लोग तो कम से कम घर में सुरक्षित हैं, जो लोग घर से बाहर हैं तो कैसे क्या कर रहे होंगे। हम लोग तो बस इतना ही, बिजली नहीं आ रही है, अब अंधेरा हो रहा है, किसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन और लोग के बारे में सोचिए। तो भगवान अब तो बारिश ले जाए, इससे ज़्यादा अब सहन की शक्ति नहीं है, चारों तरफ वही पानी पानी दिख रहा है, कई जगह तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है। बेटा ये हंसी नहीं है, ये तो बोल रहा है, मतलब बच्चों की सोच है, हम लोग भी छोटे थे तो ऐसा ही सोचते थे, बोल रहा है कि कल तक भी ऐसे ही बारिश होती रहे तो कल भी स्कूल ना जाना पड़े। तुम लोगों के लिए तो ठीक है कि कल भी बारिश होती रहे, ना जाना पड़े, औरों के बारे में सोचो, बेचारे जो घर से बेघर हैं, अपना स्वार्थ सबको वो है, वही सोच केवल इतने ही तक है कि कल भी ऐसे ही बारिश हो तो हमें स्कूल ना जाना पड़े। कैमरा बंद, मतलब देख लिया बच्चों की, वैसे भी नहीं बंद हो रही बारिश, तो वैसे भी नहीं बंद हो रही, तो कम से कम बोलो तो मत, भगवान बच्चों की ज़्यादा प्रार्थना सुनते हैं, तो ये लोग खुद ही मना रहे हैं कि बारिश होती रहे कंटिन्यू जैसे कि अब हो रही है तो हमें जाना ना पड़े, मतलब मुझसे ज़्यादा बारिश की आवाज़ आ रही होगी, तो ऐसा मत बोलो बेटा। कई मवेशी हैं, सब परेशान हो रहे हैं। शिवानी नीचे बैठी हुई है और शाम को लेके वो ऊपर आ नहीं सभी, कभी भी ही जाएगा, वो नीचे ही है, मैंने कहा नीचे ही रहो, अंधेरा है लेकिन नीचे ही रहो। हाँ बेटा, हाँ बता रही हूँ, गेट खोल देना गेट, तब बता पाऊँगी। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है अगारो का कास्ट आयरन का कैसरोल, और इसकी 1 ईयर की वारंटी है, और ये है मैनुअल कार्ड कैसे यूज़ करना है, और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, एक कास्ट आयरन के बर्तन की यही तो खासियत होती है, सिंगल माउंटेड के बने होते, कहीं भी इनमें जॉइंट नहीं होता, जिससे इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये 5 लीटर की कैपेसिटी में है, ये देखिए पॉलिश रेड में है, और ये देखिए लोगो है पीछे, काफ़ी अच्छा कैसरोल है,
और सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक हीट रिटेंशन वैसे भी कास्ट आयरन के बर्तनों में काफ़ी होता है, आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें, सब्जी है, चावल बना के रखते हैं, ये रोटियां कुछ भी, तो काफ़ी देर तक आपका खाना वैसा कि वैसा गर्म बना रहता है। तो क्योंकि खाना गर्म सबको ही चाहिए, तो इसलिए मैंने ये कैसरोल की मुझे काफ़ी ही ज़रूरत थी, और देखने भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ मैंने धुल के किया हुआ है साफ यहाँ बैठ के, क्योंकि किचन में तो वैसे भी अंधेरा हो गया है, और हमारे यहाँ पुलाव ही बनेगा, वेज पुलाव, तो वो बनाएगी शिवानी, तो यहाँ बना के इसमें रखा हुआ। तो ये देखिए इतनी अच्छा और खुशबू आ रही, काफ़ी देर बाद इसको मतलब खोला हुआ था, अब भी इसमें भाप निकल रही, यानी कि वैसा गर्म है एकदम से पुलाव। तो हमने सोचा रोटी वगैरह कौन बनाएगा, क्योंकि अंधेरा भी है, जल्दबाजी में बनाना है, तो चलो यही बना लेते, इससे ही काम चला लेंगे रात का। तो काफ़ी देर बाद खोला तो देख लिया एकदम गर्म का गर्म रखा हुआ है, तो ये काफ़ी ज़रूरत की चीज़ थी। बारिश इतनी तेज और हो रही है, अब हो रहा है फ्रेंड लाइट भी मॉर्निंग का नहीं लगी, टाइम, तो तो थोड़ी देर यहाँ बाहर मैं निकल बैठी बैठी हूँ हूँ। बाहर, मेरे अब को भी भी बिल्कुल आवाज़ आ वैसा रही ही है, मुझे है, लगा कि बारिश बहुत थोड़ी सी ही लाइट आई ज़्यादा फिर हो रही चली है। गई। और और ये ऐसा फ्रेंड्स मौसम हुआ अगले है दिन एकदम, का ब्लॉग, यानी कि अगले दिन 4 बजे लाइट आई हुई है, तब जाके ये सारा काम किया मैंने। बर्तन वगैरह भी ऐसे ही पड़े होते हैं, आप देख सकते हैं पूरी जितनी रैक है सारे बर्तन आ चुके थे, जब तक यूज होते रहे तब तक निकलते ही रहे बर्तन, क्योंकि और बर्तन धोने की वो ही नहीं थी अंधेरे में, तो सारे बर्तन निकलते ही रहे जब तक कि दिखते रहे कि यहाँ इतने बर्तन हैं। और यहाँ इतना ढकने के बाद भी पानी इतना तेज बरस रहा है ना कहीं से वो आ ही जाता है, कितना भी ढका रहे थोड़ा ना थोड़ा आ ही जाता है। और फिर इसमें टाइल्स में तो वैसे भी थोड़ा भी पानी पानी होता है, तो काफ़ी फैलता है। नाइट का टाइम देखिए, और यहाँ फ्रेंड्स मैं लगा रही हूँ अलमारी, काफ़ी कपड़े मतलब बच्चों के नहीं मिल रहे थे तो मेरे भी इन लोगों ने इधर उधर कर दिए, क्योंकि मैं सबके कपड़े अलग रखती हूँ ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो, जितनी दिक्कत होती है ढूंढने में दिक्कत होती है, बच्चों के अपने इनके हेल्प सबके वगैरह तब शामिल मैं हो जाते अलमारी हैं, बहुत साफ करता समस्या हूँ, तो नहीं होती तो है। इकट्ठी हो तो मैं, मुझे रैक अरे फिर इधर से इनके अच्छे से लगानी है सबके अलमारी, इकट्ठे हो, ताकि सब कपड़े अलग इकट्ठे अलग हो, करके अच्छे से लगा के, क्योंकि तह भी बिगाड़ दी इधर उधर से निकालते रहे सब एक दूसरे कर दिए, ए कहीं कुछ मिल भी नहीं रहा। मुझे जब जल्दबाजी में कपड़े नहीं मिलते तो सच में मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, कहीं एक नहीं मिलती, कहीं ब्लाउज नहीं मिलता, कहीं साड़ी, कहीं सूट, तो दिक्कत आती है, एक जगह एक मेंटेन होके रखते हैं ना तो दिक्कत नहीं होती, तुरंत निकालिए। तो यहाँ मैं पूरी अलमारी लगाती जा रही हूँ, अलग अलग रखती जा रही हूँ, तो बच्चे भी मेरे साथ हेल्प करने आ गए, इन्होंने देखा कि काफ़ी इसने पूरी बाजार फैला ली है, तो ये भी आ गए थोड़ा हेल्प करने के लिए, अच्छी बात है। और साड़ी साड़ी हैंगर में लगा दी है, और बाकी सारी नीचे जितने कपड़े हैं, और मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट आया हुआ था पहले कि ये आप साड़ी का कलेक्शन दिखाइएगा, तो मैं अपनी साड़ी का कलेक्शन दिखाऊंगी किसी दिन फ्री टाइम में, क्योंकि इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे हो रही है बच्चों की पढ़ाई, शाम भी आ गया था, जी तो फर्स्ट फर्स्ट है ना, और मैं यहाँ पढ़ा रही थी तो शिवानी भी आ गई थी शाम को लेके, तो बस उसे देखो ना तो कितने भी बिजी हो लेकिन उसके साथ में खेलने में साथ में मज़ा ही दूसरा आता है, और वो वैसे भी अपने मस्त ही रहता है। मैं बता दूँ शिवानी ना चली गई थी, फिर उसे बेचारी दोबारा आना पड़ा, क्योंकि शाम की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई, तो वहाँ भी दिखाया लेकिन आराम नहीं लगा, तो दवा लेने के लिए आ गई थी,
मैंने तो कहा था रुक जाना, लेकिन वो रुकेगी नहीं, बोल रही थी कि घर में काफ़ी काम है, बारिश हो रही है तो घर का भी डर है कहीं कुछ हो ना गया हो, लेकिन वो बारिश की वजह से फिर निकल नहीं पाई, वरना आज ही जा रही थी, जैसे ही से आराम लग गया। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग कोई मिस ना हो। और यहाँ देखिए इनकी चल रही है मस्ती।